सो हे गाइस, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं आई लव मैग्नेटिक चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप कैसे पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए सुनोगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपने मनी को या फिर फंड को कैसे ट्रांसफ़र करना है HDFC के मोबाइल बैंकिंग ऐप से। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि आपको, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, HDFC बैंक के नाम से एप्लीकेशन है। अगर आप iOS यूज़र हो मतलब आईफोन यूज़र हो तो आपको ऐप स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशंस को सक्सेसफुली डाउनलोड कर लेने के बाद यहां पे आपने साइन अप कर जाना है और साइन अप करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ADD रखना है और आपने अपना डेबिट कार्ड, तो इस दोनों की हेल्प से आप यहां पे साइन अप कर जाएंगे। तो सक्सेसफुली साइन अप कर लेने के बाद आपने यहां पे इस एप्लीकेशंस को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका ओपन होके आएगा। तो यहां पे आपने सबसे पहले किसी के पास भी पैसे भेजने के लिए ना आपको उनकी डिटेल्स आपको चाहिए होगी, जैसे कि उनका नाम, IFSC कोड और उनका अकाउंट नंबर। ये तीन चीज आपके पास रेडी होना चाहिए। इन तीन चीजों को रेडी रखने के बाद आपने किसी के पास भी पैसे भेज सकते हो। तो इसके लिए पैसे भेजने के लिए आपने क्या करना होगा, 3 डॉट पे आ जाना होगा। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा पे का, तो सिंपली आपने पे पे क्लिक कर लेना है। पे पे क्लिक कर लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा मनी ट्रांसफर का, तो सिंपली आपने मनी ट्रांसफर बोल सकते हैं या फिर पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे आपने मनी ट्रांसफर करना है तो सिंपली आपने मनी ट्रांसफर पे क्लिक कर लेना है। तो मनी ट्रांसफर पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी के पास भी पैसे भेज रहे हैं या फिर इस एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम किसी के पास पैसे भेज रहे हैं या फिर उनकी डिटेल ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऐड न्यू पे का। तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी के पास पैसे इस एप्लीकेशन की हेल्प से, तो आपको 24 घंटे का वेट करना होगा पेई को ऐड कर लेने के बाद। आपने पेई कैसे ऐड करना है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आपको आई बटन पे वो लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो आपने पेई को कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं पेई को ऐड कैसे करना है वो तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने फंड ट्रांसफर कैसे करना है। पेई को कैसे ऐड करना है आप आई बटन पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ऑलरेडी सेपरेट है। तो सिंपली आपने क्या करना है, जब आप पे सक्सेसफुली ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा व्यू ऑल पेज का, तो सिंपली आपने व्यू ऑल पेज पे आ जाना है। अब जैसे ही व्यू ऑल पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपने जितने भी लोगों का ऐड किया होगा पेज का, तो कुछ इस तरीके से उनकी पूरी नाम डिटेल आ जाएगी। तो आपने जिसके पास भी पैसे भेजना है उनका नाम आपने यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, उनका बैंक भी, तो सिंपली आपने उनके कर लेना है। उन पे सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ट्रांसफर का, तो सिंपली आपने ट्रांसफर पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ट्रांसफर पे कर देंगे क्लिक, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अमाउंट का, तो सिंपली आपने अमाउंट पे सेलेक्ट कर लेना है। अमाउंट पे सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एक डेट भी देखने को मिलेगा, तो उसे छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ट्रांसफर मोड का, एक आपका है IMPS, एक आपका है NEFT। NEFT भेजेंगे तो आपको दो वर्किंग आवर्स में 2 घंटे लगेंगे। अगर आप IMPS करते हो, IMPS की अगर हम बात करें तो IMPS का जो फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे आप तुरंत पैसे को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपने IMPS को सेलेक्ट कर लेना है। IMPS को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आप रिमार्क दे सकते हैं या किसके पास पैसे भेज रहे हैं। मान लीजिए कई बार होता है हम अपने फैमिली मेंबर को भेज रहे होते हैं या फिर हम अपने खुद के ही अकाउंट में भेज रहे होते हैं। यहाँ पे मैं अपने खुद के अकाउंट में भेज रहा हूँ, तो सिंपली मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे ऑन लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने आपका जो भी फ्रेंड है, कलीग्स है या फैमिली मेंबर, तो जो भी आपको रिमार्क सही लगे वो आपने अपना यहाँ पे सबमिट कर देना है। ऑन लिखने के बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, या फिर आपने जो भी यहाँ पे रिमार्क देना है देने के बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और आपने सिंपली कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर लेने के बाद यहाँ पे आपने ये दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप OTP किस पे चाहते हैं, मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे। आप दोनों जगह चाहते हो तो सिंपली दोनों जगह चेक कर लीजिए, या फिर एक जगह चाहते हो तो एक जगह, सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और वो OTP ऑटोमेटिक वो डिडक्ट कर लेगा, उसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे कंटिन्यू पे कर देंगे क्लिक, तो आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली आपने जिस भी अकाउंट में भेजा है वो उनके अकाउंट में सक्सेसफुली वो पैसा IMPS कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि आप उनके अकाउंट में पैसे भेजे हैं, उनका पूरा ब्यौरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपने IMPS किया है या फिर NEFT किया है। तो कुछ इस तरीके से आप
किसी के पास भी, जिसके पास भी आप फंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर पैसे को भेजना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी वे में आप पैसे को भेज सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।